ओम श्री गणेशाय नमः। दोस्तों ओम गणपति समाधान यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों हम आज बात करने वाले हैं 26 जून शनिवार आज के धनु राशि के दैनिक राशिफल के बारे में कि आज के दिन इनको किन चीजों से फायदा होगा और किन चीजों से इनको सावधान रहना होगा और साथ ही इनका बिजनेस और व्यवसाय कैसा रहेगा, कैरियर कैसा रहेगा, घर परिवार कैसा रहेगा और इनकी लव लाइफ कैसी रहेगी और साथ ही स्वास्थ्य की महत्वपूर्ण जानकारी भी हम आपको देंगे और आज के दिन को और भी अच्छा और बेहतर बनाने के लिए एक उपाय भी बताएंगे। दोस्तों वीडियो आगे शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में नोटिफिकेशन की बेल को भी दबाएं जिससे आप तक समय समय पर नई नई महत्वपूर्ण वीडियो पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं कैसा रहेगा आपकी राशि वालों के लिए आज का दिन। पहले बात कर लेते हैं आज आपके लिए क्या पॉजिटिव रहने वाला है। दोस्तों अगर आप सोचे हुए पुराने काम शुरू करें तो फायदा हो सकता है, आज आप अच्छा महसूस करेंगे। सामूहिक और सामाजिक काम के लिए दिन अच्छा रहने वाला है। परिवार के ज्यादातर काम आपको निपटाने पड़ सकते हैं। अचानक धन लाभ की संभावना बन रही है, रुका हुआ पैसा मिलने के योग है। जी हाँ दोस्तों पैसों के मामले में आप किसी से उलझ सकते हैं। दोस्तों आपको समस्याओं से बाहर निकलने में आपकी दोस्त मदद करेंगे। कामकाज से संबंधित अच्छे और व्यवहारिक आइडिया आपके दिमाग में आएंगे। किसी भी अनबन को जल्दी सुलझाने की कोशिश करें। व्यवहार कुशलता और सहन शक्ति से काम लेंगे तो ज्यादातर आपके सभी मामले खुद ब खुद सुलझ जाएंगे। दोस्तों अब बात कर लेते हैं आपकी नेगेटिव बातों के बारे में। आज आपको अपने विरोधियों से सावधान रहना होगा, विरोधी पक्ष आपको हानि पहुंचा सकता है। अधिक दूरी की यात्राओं से भी आज शारीरिक और मानसिक कष्ट बढ़ सकता है। आज चल अचल संपत्ति प्राप्ति के प्रयास में बाधा भी उत्पन्न हो सकती है। जी हाँ दोस्तों आज कामकाज के बोझ की अधिकता रहेगी। अब बात कर लेते हैं आपके व्यवसाय के बारे में। अगर आपके व्यवसाय की बात की जाए तो व्यवसाय के बारे में आज कोई चिंता करने की बात नहीं है। व्यवसाय में अधिक लाभ होगा और धन प्राप्ति का मार्ग भी प्रशस्त होगा। कई प्रकार की खुशियां मिलेंगी और तमाम प्रकार के लाभ होंगे। नौकरी पेशा लोगों के लिए मेहनत और परिश्रम भरा समय रहेगा। विद्यार्थियों का समय विद्या अध्ययन में बीतेगा। दोस्तों अब बात कर लेते हैं आपकी लव लाइफ की। यदि उन रिश्तों की बात करें जो अलग से हैं और काफी समय से कोई बातचीत नहीं हो पाई है तो उन रिश्तों को भूल जाना ही बेहतर है। अपने जीवन में आगे बढ़ें, जल्दी कोई नया जीवन साथी आपके जीवन में आएगा। दाम्पत्य जीवन में खुशियां रहेंगी, जीवन साथी का भरपूर सहयोग और प्यार आपको मिलेगा। दोस्तों अब बात कर लेते हैं आपके घर परिवार की। दोस्तों घर परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा। परिवार में किसी के रिश्ते की बात भी चल सकती है, साथ ही कुछ नए रिश्तों की शुरुआत भी हो सकती है। जीवन साथी से संबंध मधुर रहेंगे, किसी नए मित्र से मुलाकात संभव है। समाज में मान सम्मान बढ़ेगा, बच्चे आज्ञाकारी रहेंगे, माता पिता का आशीर्वाद आपको मिलेगा। माता पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, भाई बहनों का सहयोग करें और जीवन साथी का सम्मान करें। जी दोस्तों अब बात कर लेते हैं आपके स्वास्थ्य के बारे में। आज स्वास्थ्य से संबंधित समस्या, सरदर्द या मानसिक थकान उत्पन्न हो सकती है। अपने आप को और अधिक स्वस्थ रखने के लिए आप नियमित योग करें, व्यायाम करें और प्राणायाम करें और स्वस्थ रहें। दोस्तों आज आप ये उपाय अवश्य करें, 21 बार हनुमान चालीसा का जाप करें और साथ में 11 बार शनि चालीसा का भी जाप करें और भगवान शनिदेव के चरणों में लोहा, सरसों का तेल या काले तिल, काला कपड़ा, काली दाल इत्यादि अर्पित करें और सरसों के तेल का दीपक भी जलाएं और 108 बार इस मंत्र का जाप करें। ओम सैष शनिश्चराय नमः, ओम सैष शनिश्चराय नमः। दोस्तों ऐसा करने मात्र से भगवान शनिदेव अत्यंत प्रसन्न होंगे, आपको भगवान शनिदेव का आशीर्वाद प्राप्त हो। कमेंट में जय शनिदेव अवश्य लिखें। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ और मंगलमय हो।